माउंट लॉफ्टी। एडिलेड सिटी से लगभग 15 किलोमीटर ईस्ट में है ये सुंदर से माउंट रेंजेस और यहाँ है ये सुंदर सा बोटेनिक गार्डन। वैसे चाहे ये शहर बिल्कुल छोटा है लेकिन इसकी सुंदर वादियाँ आपको अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेंगी। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं माउंट लॉफ्टी की ओर। गाइज, मैं साउथ साइड ही रहता हूँ तो मुझे आधा घंटा ही लगेगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन ये सिटी से भी ज्यादा दूर नहीं है। सबसे पहले मैं जाऊँगा माउंट लॉफ्टी बोटेनिक गार्डन में। यहाँ बने व्यूइंग प्लेटफॉर्म से आप इस सुंदर से गार्डन का व्यू दूर तक देख सकते हैं। बोटेनिक गार्डन में एक छोटा सा तालाब भी है जिस पर बना ये पुल जाते ही आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। यहाँ एंट्रेंस पर ही आपको अलग अलग रूट्स के मैप्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप स्मॉल, सेंट्रल या बिग कोई भी रूट ले सकते हैं। मैंने शुरू किया सेंट्रल रूट से। आगे बढ़ा तो सबसे पहले मैंने देखा ये ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन्स। यहाँ दुनिया भर से प्लांट्स की अलग अलग स्पीशीज की वैरायटी देखने को मिलती है। ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ अलग अलग शेप्स, स्पीशीज और कलर्स के ना जाने कितने ही पेड़ पौधे हैं। यह नज़ारा आंखों के लिए सच में जन्नत जैसा है। इट इज अनबिलीवेबल। रूट में आगे आता है ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेंटर ऑफ ए जंगल टाइप व्यू। यहाँ लोग रुक कर अपनी तस्वीरें ले रहे थे। हवा में हिलते हुए ये पत्ते इस गार्डन की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। साथ ही हवा अपने साथ जंगल की मिट्टी की खुशबू लेकर आ रही थी। पंछियों के चहकने की आवाज हमारे चारों ओर फैली नेचुरल ब्यूटी को और बढ़ा रही थी। ऐसा महसूस हुआ मानो टाइम रुक सा गया हो। चलते चलते पूरा लूप जब मैंने खत्म किया तो मैं वापस इसी तालाब तक पहुंच गया। लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए थे। यहाँ लोग अलग अलग इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं जैसे कि शादी, बर्थडे पार्टीज एटसेट्रा। एंड ऑल्सो इस एरिया में एक वाटरफॉल भी है, सो अगर आपको सुंदर सा वाटरफॉल देखना है तो डोंट मिस द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, लेट्स गो। फिर मैं बोटेनिक गार्डन से रवाना हुआ और सुंदर पहाड़ों पर सफर करता हुआ पहुंचा माउंट लॉफ्टी की चोटी पर। ये एरिया नेशनल पार्क रिजर्व्स के अंडर आता है। ये एडिलेड सिटी से साउथ साइड की सबसे ऊंची माउंटेन रेंजेस है। यहाँ पहुंचकर मैंने यहाँ से पार्किंग टिकट खरीदी। यहाँ एंट्रेंस पर ही एक गिफ्ट शॉप है जहाँ से आप जैकेट्स, कैप्स और कोई भी सुवेनियर्स खरीद सकते हैं। यहाँ ये वाइट कलर पेंटेड टावर है जो वर्ल्ड वॉर टू में नेविगेशन पर्पजेस के लिए यूज किया गया था। 1990 में इसे हटा दिया गया था लेकिन फिर से इसे री इंस्टॉल किया गया फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये माउंट लॉफ्टी रेंजेस का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से मिलता है आपको सिटी का एक स्टनिंग व्यू। जब आप चोटी पर पहुंचते हैं तो आपको समुद्र के किनारे तक सब कुछ दिखता है। माउंट लॉफ्टी के टॉप से आपको पूरी सिटी का एक पैनोरमिक व्यू मिलता है जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। और यहाँ टॉप पर एक कैफे भी है जहाँ आप व्यू देखते हुए पिज्जा, बर्गर और भी बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ वॉकिंग ट्रेल्स हैं और इसकी ट्रेल्स साइकिलिंग के लिए भी बहुत फेमस है। गाइस, ठंड में यहाँ आओ तो बहुत धुंध और बारिश होती है क्योंकि ये एडिलेड की कोल्डेस्ट जगह है, लेकिन इस वक्त यहाँ गर्मियां चल रही हैं तो मुझे व्यू देखने में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ मल्टीपल वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रेल्स है लेकिन इनमें से एक जाती है सुंदर से वाटरफॉल की ओर। ये है वाटरफॉल गली वॉकिंग ट्रेल जो 4.6 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हो तो इस वॉटरफॉल की ओर एक रास्ता भी जाता है जिसे कार पर पूरा करने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। तो मैं ऑब्वियसली कार लेकर निकल गया वॉटरफॉल गली की ओर। इस तरफ जाने वाला ये रास्ता बहुत ही संकड़ा लेकिन सुंदर है। इस छोटे से वॉटरफॉल के सामने खड़े होकर मैं इंस्टेंटली इसकी ब्यूटी से इंप्रेस हो गया। ये ऊंचाई में छोटा होने के बावजूद एक पीसफुल ग्रेटनेस का एहसास करवाता है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पत्थरों की ढलान से जब पानी नीचे गिरता है तो धूप में पानी चमकता है। लाइट और शेडो का ये मैजिक बिल्कुल अद्भुत है। नीचे का तालाब गिरते हुए पानी की बूंदों से जैसे पकड़न पकड़ाई खेल रहा है। इसके आसपास हरियाली से भरी फर्न और धुंधले पत्थर इस व्यू के मैजिकल एनवायरनमेंट में पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसा लगता है ये वाटरफॉल मुझे इसकी सुंदरता में खोने की पूरी परमिशन देते हुए समय को ही रोक रहा है। फिर मैं एडिलेड की सबसे ठंडी और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह को अलविदा कहकर निकल गया वापिस अपने आशियाने की ओर।
लेकिन इस सफर ने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया। आज मुझे समझ आया कि ये सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, ये इस ट्रैवल एक्सपीरियंस को फील करके आप लोगों तक पहुंचाने के बारे में था, ये नेचर के साथ गहराई से जुड़ने के बारे में था। अब इस व्लॉग को यहीं खत्म करते और लेता हूँ आपसे अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ आप सबको मेरी प्यार भरी बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।